हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने चैनल राहुल रियल व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग भले चंगे, स्वस्थ व मस्त होंगे। और रही बात मेरे व्लॉग वीडियो में, आप सभी का फिर से एक बार मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग मुझे समझ रहे हैं और मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो गाइस, और दिन का दिन तो गाइस ये तो मैं कह सकता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को ग्रो करवा रहे हैं, इसीलिए मैं आप सभी को बार बार से तहे दिल से आभार दे देता हूँ। और आज मैं अपने बारे में कुछ पर्सनल जानकारी दूंगा जो मेरी पर्सनल लाइफ से संबंधित है, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब मुझे ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखना चाहिए। सस्पेंस तो गाइस मैं नहीं कह सकता, रही बात कि मैं अपने बारे में आप सभी से ज़्यादा मुझे छुपाना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि मेरे आप सभी लोग अपने हैं और मैं आप सभी को अपना ही परिवार समझता हूँ। तो इसीलिए तो गाइस, जो इंसान अपना होता है तो उससे ज़्यादा कुछ पर्सनल जानकारी छुपानी भी नहीं चाहिए। तो रही बात, मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में अपने बारे में तो कुछ चीज़ें बताई दी है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और कौन हूँ, क्या है और मैं क्या करता हूँ। फ़िलहाल गाइस, अब मैं आज आप सभी को एक इस वीडियो के माध्यम से अपने बारे में छोटी छोटी बहुत सारी जानकारी दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया है, मेरा नाम राहुल है और मैं यूपी के प्रयागराज, जिसे हम पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, वहीं पे एक ज़िला है कौसाम्बी, मैं उसी ज़िले का रहने वाला हूँ। और रही बात, मैं मेरी पढ़ाई ठीक ठाक कंप्लीट हो चुकी है, जहाँ तक भी होनी थी, और मैं साथ में गवर्नमेंट जॉब के लिए भी मतलब थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करता हूँ, पर ज़्यादा नहीं मेरा, क्योंकि एम जो है वो दूसरा है। तो कहते नहीं है कि इंसान का जो अपना एम होता है वो सबको प्यारा होता है, तो हर इंसान अगर गाइस गवर्नमेंट जॉब ही पा जाएगा या बिजनेस ही करना चाहेगा, तो जिसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट रहता है वो इसी उसी फील्ड में काम करना चाहता है और वो उसी वर्क को काफ़ी दिनों तक चला सकता है, क्योंकि अगर किसी पे बर्डन डालेंगे तो वो वर्क ज़्यादा दिन तक नहीं किया जा सकता है, और बर्डन के ज़रिए इंसान किसी काम को कितने समय तक कर सकेगा, बहुत ज़्यादा होगा साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, या बहुत ही ज़्यादा खींच के करेगा तो 10 साल, क्योंकि उसकी लाइफ तो बाद में वो थकी जाएगी ना। तो मेरा जो है एम है वो बहुत ही बड़ा एम नहीं है, ना बहुत ही छोटा, मैं छोटा भी नहीं कह सकता, क्योंकि अब आज के टाइम में कुछ सी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टफ होती जा रही है। और गाइस, अगर आप छोटे स्तर से हैं और थोड़ा आपकी जो ड्रीम है वो थोड़ा हैवी है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप सभी के साथ जैसा कि बता रहा हूँ शेयर करना चाह रहा हूँ, तो मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपके एम्स और ड्रीम्स थोड़ा बड़े हैं और आप एक बहुत ही मध्यम परिवार से है, तो मैं जैसी मेरे साथ सिचुएशन चल रही है, तो अगर मैं अपनी सिचुएशन की बात करूं तो उसे नहीं देखना चाहिए, एकदम मैं क्लियर बात बता दूं, क्योंकि कुछ लोग ही सक्सेस गाइस, मैं ये नहीं कहता कि हिम्मत नहीं बांधनी चाहिए या फिर सक्सेस सबको नहीं मिलती है, कहते नहीं है कि कर गुजरने के अपने अंदर एक पावर होनी चाहिए, तो मैं मेरे अंदर है कर गुजरने की बहुत ही ज़्यादा अंदर से, मैं मोटिवेट भी रहता हूँ गाइस, पर क्या करूँ, इंसान ही हूँ, कभी कभी
इंसान का माइंड जो होता है वो रहते रहते मेंटली प्रेशराइज्ड की वजह से ख़राब ही हो जाता है। तो मैं ज़्यादा इधर उधर की बातों पे ना करते हुए प्लीज़ आप लोग रॉन्ग कमेंट मत करिएगा, क्योंकि कहते हैं कि लड़कों को हर्ट नहीं होता, या फिर लड़के जो होते हैं बहुत अंदर से स्ट्रांग होते हैं। फिलहाल मेरे अंदर ऐसे कोई कैरेक्टर स्थिति नहीं है, और मुझे भी हर्ट होता है, तकलीफ़ें होती है, मेरे भी बहुत सारे ड्रीम हैं, और मैं भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैंने तो गाइस जो ड्रीम देखा हुआ है तो उसे गाइस नहीं देखना चाहिए, मैं इतना श्योर एकदम बोल रहा हूँ, क्योंकि जो छोटे फैमिली से बिलोंग करता है वो उसको बड़े ख्वाब कभी नहीं देखने चाहिए, ऐसा अब मुझे भी लगने लगा है। और क्योंकि कुछ अपने ही लोग जो होते हैं, जो मतलब उनका बैकअप जो होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो गाइस मैं पहले अपने बारे में बता दूं, मेरे फैमिली में हम लोग 5 सदस्य हैं अब प्रेजेंट टाइम में, सॉरी अगर इस तरह देखा जाए तो 3 हैं, मैं हूँ, मेरी मम्मी है और मेरे पापा हैं और भैया है, तो उन्होंने उनकी अपने खुद की फैमिली है, वो मैरिज वगैरह उनके हो चुकी है, मतलब उन्होंने अपने से किया हुआ है, मैं छुपाऊंगा भी नहीं उनके। आप लोग देखी मेरे ब्लॉग वीडियो पे अगर हो वॉच किए होंगे तो उनकी वाइफ को भी मैंने दिखाई दिया है, और उनके 2 बच्चे हैं ईश्वर की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से, एक बेबी है, बेबी गर्ल है और एक बेबी बॉय है, तो वो उनका फैमिली है और वो जैसे भी है अपना ठीक है, खुश तो मैं नहीं कह सकता, खुशी है। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी अभी स्टडी कंप्लीट ही हुई है, और रही बात स्टडी की तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका हूँ परास्नातक, तो यहाँ तक मैंने आप सभी को बता दिया। फिर चलता हूँ मैं अपने मेन टॉपिक पे, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट है, और रही बात गाइस जॉब वॉब की, तो जॉब वॉब भी मुझे तो नहीं मिली हुई है अभी फ़िलहाल, मुझे एक दो गवर्नमेंट जॉब में मेरा नाम आया था तो मैंने खुद से ही ड्रॉप कर दिया, और एक एक आध एग्ज़ाम में मेरे क्रैक हुए थे, तो मतलब मेरा एक स्टेप ही, जैसे 2 स्टेप होते हैं प्री मेंस इंटरव्यू वगैरह, तो प्री मेंस निकल गया था, कहीं पे इंटरव्यू नहीं निकल पाया, और फिलहाल मेरा जो एम था बचपन से वो गवर्नमेंट टीचर बनने का, मतलब एम तो नहीं कह सकते, जैसे छोटे मतलब मानसिक जो बचपन का माइंड होता है ना, तो मेरे दिमाग में एक बात आ गई थी कि गाइस कि एक गवर्नमेंट सेक्टर में ऐड हो जाऊं, क्योंकि जो हमारी स्थिति थी और स्थिति है, तो मैं अपना बहुत ही ज़्यादा पिछला बैकअप आप सभी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। और रही बात अगर आप लोग फोर्स करेंगे तो मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा, ऐसी भी बात नहीं है, तो बताए दे रहा हूँ, बहुत अच्छा नहीं था, बस ठीक ठाक किसी तरह है, नहीं आप कुछ लोग हैं कि ये कहेंगे कि मतलब मुझे वैसे रॉन्ग कमेंट्स वालों की कोई बहुत ज़्यादा बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे जो करना है मैं वही करूँगा, और
कहते नहीं है जहाँ पे 100 अच्छाइयाँ होती हैं तो वहाँ पे 50 बुराइयाँ होती हैं, 50 तो नहीं कह सकता, 40 बुराइयाँ तो होती है। तो मैं वही समझ के उसको छोड़ देता हूँ और मैं अब बता दिया कि मेरे घर में कौन कौन है। मैं हूँ, मम्मी है, पापा है, आप लोग तो देखते ही हैं मेरे व्लॉग को अगर कंटिन्यू वॉच करते हैं। और रही बात भैया और भाभी की, तो वो अलग रेंट के घर पे रह रहे हैं, उनका खुद का घर नहीं है और उनकी भी इकोनॉमिकल कंडीशन बताओ तो बहुत अच्छी नहीं है गाइस। प्लीज़ मैं आप सभी से इसलिए नहीं बता मतलब बताना चाह रहा था कि आप लोग ये मत समझिए कि मैं आप सभी से अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन या इकोनॉमिकल कंडीशन शेयर करके मैं दया का पात्र बनना चाहता हूँ ताकि मेरे चैनल को ग्रो हो जाए या फिर सब्सक्राइबर बढ़ जाएं या तो कुछ भी, ऐसा मेरा कोई भी मोटिव नहीं है। बस मैंने जैसे आपको पहले बता दिया कि आप लोग मेरी फैमिली हैं, और रही बात फैमिली से तो किसी प्रकार की कोई बातें छुपाई नहीं जाती। तो भैया की भी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है और उनके वर्क का मैं बता दूं तो भैया जो है 4 व्हीलर है, वो भी दूसरे की 4 व्हीलर, वही को ड्राइव करने का काम करते हैं। तो भैया वही गाड़ी चलाने का काम करते हैं। और रही बात, मैं कुछ देर के लिए गाइस कोई आ गया था तो मैं वीडियो पे कुछ देर के लिए रोक दिया था, तो भैया दूसरी गाड़ी चलाते हैं। और रही बात पापा की, तो पापा भी गाइस गाड़ी चलाने का ही काम करते हैं। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल है, बहुत ही माना जाना स्कूल है। तो और अगर बताऊँ तो नाम भी बता दे रहा हूँ, डॉक्टर AS रिजवी, मतलब डिग्री कॉलेज है और पब्लिक स्कूल भी है। तो पापा उसमें के पब्लिक स्कूल यानी कॉन्वेंट वालों के बस ड्राइवरिंग का काम करते हैं। तो जो हमारे यहाँ आसपास इलाहाबाद और कौशाम्बी फतेहपुर के छात्र के लोग होंगे साइड के, तो वो सब इस स्कूल को जानते होंगे क्योंकि प्रतिष्ठित नाम है और पुराना विद्यालय है। और बाकायदा सैलरी की बात बताऊँ तो गाइस सैलरी नहीं अच्छी है। पापा को मेरे इस टाइम शायद 5,500 रुपये पर मंथ ही मिलते हैं। और रही बात मैं अपनी बताऊँ तो मैं तो गाइस 1 रुपया भी नहीं कमाता हूँ, कैसे भी करके। एक्चुअली कोरोना लगा हुआ था, करना बहुत कुछ चाहता हूँ, कुछ मेरी जो है तबीयत भी सही नहीं रहती है। मैं धीरे धीरे आप सभी के साथ सब कुछ शेयर करूँगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता हूँ। और मम्मी की बात करूँ तो मम्मी भी गाइस कुछ खास नहीं करती हैं, हाउस वाइफ ही हैं। और हाउस वाइफ के साथ हमने जो है संस्था रजिस्टर्ड करवा लिए किसी तरीके से, अपना रो दो के और कैसे भी करके पैसे इकट्ठे करके जो लगा। और गाइस पैसों की बात करूँ तो मेरा फ्रेंड है, वो मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, पर उसने अपना नाम लेने के लिए मना किया हुआ है कि नाम मत लेना। तो मैं नहीं चाहता कि उसका नाम आप सभी के साथ शेयर करूं। और बताऊं तो है रिलेटेड गाइस, और बता दूं तो हाँ अपने बारे में, यहाँ तक मैंने बता दिया, सबके वर्क बता दिए और संस्था भी जो के बारे में बता दिया, कि आप लोग ये ना सोचिए कि संस्था चलाता है तो पैसे इसके पास होंगे, मैं मतलब सोशल मीडिया में के सहारे करके आप सभी के साथ झूठ मतलब का सहारा लेके मतलब मैं पॉपुलर होना चाहता हूँ या कुछ है। तो ऐसा मेरा किसी भी प्रकार से कोई
मोटो नहीं है। और प्लीज़ अगर आप लोगों को सही ना लगे तो मेरे वीडियो को स्किप करके मतलब बंद कर दीजिएगा और मत देखिएगा वीडियो को, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई मतलब मेरे वीडियो को के जरिए मुझे जज करे। और मैं मतलब आप सभी से हेल्प तो मांग नहीं सक हेल्प ही मांग रहा हूँ गाइस। सोशल मीडिया पे आप लोगों को तो पता है कि यूट्यूब से कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरा कुछ हो जाएगा इस चैनल के माध्यम से, तो मेरे घर की जो थोड़ी सी इकोनॉमिकल कंडीशन है उसमें प्रोग्रेस होगा। और मैं कुछ आप लोग तो मेरा घर देख ही चुके हैं, और मैं होम टूर भी बहुत जल्दी अपना घर का अपलोड करके डाल दूंगा। और गाइस अब बताऊँ, इस घर में जहाँ हम रह रहे हैं, इस घर में अभी हम 2-3 साल पहले 3 साल पहले आए हैं, वरना हम लोग तो गाइस रहते भी नहीं थे यहाँ पे। और बताऊँ तो उसके पहले की लाइफ में, मैं बैक लाइफ के बारे में आप सभी के साथ शेयर तो नहीं करना चाहता। बहुत अच्छा बैकअप नहीं था, आप लोग ये सोच लीजिए। जो भी था सब ठीक था, किसी तरह जीवन कट रहा था और हम लोग किराए के घर में भी रहे, काफ़ी समय तक रहे, और बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का मेरी मम्मी ने सामना किया लाइफ में। अब थोड़ा सा समय आया है कि उनको रेस्ट करवाया जाए। और उनकी भी एज गाइज आप सभी लोग देख सकते हैं, पर मैं अभी तक कुछ कर नहीं पाया हूँ। अपने आप से हताश, जैसे हताशा से निराशा सा लगती है कि हताश हो जाऊं, पर हताश नहीं होना, मुझे अपने आप को कमज़ोर नहीं रखना है, करना है मुझे अपने आप को अंदर से स्ट्रांग रखना है। और रही बात तो हाँ, जो घर है, घर ईश्वर की कृपा से छोटा एक कमरे का ही घर है, पर लेकिन गाइस अपना मकान अपना ही होता है, कहते हैं अपनी छत अपनी होती है। क्योंकि मैं देखता हूँ भैया जो है किराए के घर पे रहता है, बहुत ही ज़्यादा गाइस घर बड़ा ज़रूर रहता है, पर लेकिन बहुत ही ज़्यादा समस्या रहती है। क्योंकि अगर आप किराया वगैरह जो भी इंसान रहता है, अगर वो प्राइवेट नौकरी इंसान करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 हज़ार रुपए की महीने की, आप लोग तो अच्छे से जानते हैं कि अगर आप प्राइवेट मतलब 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं ड्राइवर्स, तो उनकी सैलरी क्या हो सकती है। तो मैं बता दूं भैया को, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा गाइस 6 हज़ार ही महीने मिलते हैं कि 6500 कुछ ऐसा ही है, मुझे एकदम एग्जैक्ट नहीं पता, वरना मैं शेयर कर दूंगा पता करके नेक्स्ट वीडियो में। पापा को तो मुझे पक्का पता है कि 5500 ही मिलता है, क्योंकि 500 रुपये कुछ बोनस वोनस करके उनको प्रत्येक मंथ में मिल जाया करते हैं। और ऊपरी कमाई का गाइस तो कुछ नहीं, क्योंकि स्कूली बच्चे वाले हैं तो उनको लेके जाना पड़ता है और लेके आना पड़ता है, वर्क सिर्फ इतना ही रहता है। फिर भैया का भी यही काम है। अगर गाइस भैया का देखता हूँ कि अगर 1 महीने 2 महीने किराए में लेट हो जाता है, तो ये कहिए कि हमारे अपने ही शहर में रह रहा है, जहाँ मतलब हमारा टाउन है, अगर बाहर रहता तो लोग सामान भी उठा के फेंक देते हैं ज़्यादा लेट होता है तो थोड़ा सा मालिक जो है रिलीव करवा देता है, पर लेकिन हमेशा नहीं करवाते हैं, क्यों झूठ बोलूं। और रही बात कोरोना के टाइम में, तो भाई की मतलब आप लोगों को तो पता है कि गाड़ी वगैरह रुक गई थी, और 2 साल तक खाली बैठ के खाना पड़ता, और हमारे घर की सिचुएशन इतनी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है कि हम लोगों को पास इतना पैसा होता कि हम लोग बैठ के आराम से मतलब अपनी लाइफ जो है काट सकते, इतना हमारे यहाँ रिस्टोर ही नहीं है।
तो समस्या तो थी ही, फिर और भैया को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, और उसमें उसकी छोटी वाली बेबी जो अवनी है वो भी हो गई थी डिलीवरी किसी तरह, मतलब किसी तरह गाइस। फिर उन्होंने उनके ससुराल के पक्ष वाले लोगों ने हेल्प किया और उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। फिर किसी तरह घर चलते रहे, और फिर गाइस किसी तरह से खर्च चलते रहे, और उन्होंने भी अपने बच्चों को और अपने परिवार वालों को, यानी कि अपनी वाइफ और जो बच्चे हैं उनको अपना प्रविष्टि किसी तरह करें। और मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो राशन कार्ड के जरिए गल्ले वगैरह मिल जाते हैं उसकी सहायता से कम घर में खाने पीने के लिए चीज़ों की दिक्कतें नहीं हुई, और हम लोगों को खाने पीने का सामान मिलता रहा, और थोड़ा बहुत भगवान की दया से सब्जी वगैरह मिलती जाती थी। और पैसे इतने गए तो थे कि सब्जी वगैरह किसी तरह, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं, पनीर वगैरह तो मैं नहीं कह सकता, पर लेकिन हाँ ठीक ठाक सब्जी वगैरह हम लोग के यहाँ बनती रही। फिर कोरोना जैसे जैसे फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, आई गई, बीच में खुल जाता था तो पापा को स्कूल भी खुल गया था, फिर मतलब फिर से जॉब लग गई थी, और 5,000 ही गई हम लोग के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत ही बड़ी रकम, क्योंकि जब इंसान छोटे से स्तर से निकलता है और उसके पास किसी भी प्रकार की कोई इनकम का सोर्स नहीं रहता तो छोटे छोटे ही धनराशि बहुत बड़ी हो जाती है। और अगर मैं बात करूं तो हाँ अपने यहाँ प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी हमारी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक मकान ही है ईश्वर का दिया हुआ, वो भी अब हम लोग 2-3 साल से उपभोग कर रहे हैं, वरना अभी तक तो नहीं। और हाँ थोड़ा सा मतलब मार्केट से सटा हुआ है तो दुकानें हैं, मतलब मेरी दुकान नहीं है गाइस, घर तो मेरा ही है मेरे पिताजी का, और वो पिताजी ने मतलब खरीदा वगैरह नहीं है, वो बाबा लोगों की संपत्ति थी, पैतृक संपत्ति हमारी, तो वही है और उसी में अब हम रह रहे हैं। पापा जो हैं अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं करें, किसी तरह से हमारा दोनों भाइयों का पालन हो गया और हम लोग बड़े हो गए। और अब दुकानों की बात करें तो गाइस दो दुकानें, छोटी छोटी दुकानें हैं, आप लोग अगर व्लॉग मेरा देखेंगे तो बहुत ही छोटी छोटी, तो किराएदार हैं, और जो भैया हैं किराएदार दवा की दुकान खोले हैं, और एक नाई है, और दवा वाले भैया जो हैं वो बहुत ही मतलब अच्छे इंसान हैं, और हम लोगों को हमेशा अपना परिवार की भांति ही मानते हैं, और दवा वगैरह जो कभी होती है तो भैया हम लोगों से मतलब जो उनके यहाँ मेडिकल में रहती है स्टोर पे उसका कभी उन्होंने चार्ज नहीं लिया, इसके लिए हम लोगों को बहुत बड़े एहसान हैं उनपे। पर अब गाइस ऐसे कब तक चल सकता है ना, तो और रही बात, हमारे पास इतने ज़्यादा बजट नहीं है कि हम अपनी संस्था को मतलब प्रोजेक्ट वगैरह लेके चलवा पाएँ, या तो कागज़ तो सारे बनवा लिए हैं और अप्रूवल भी हो चुका है, तो जगह स्पेस भी नहीं है, और जो ऑफिस है तो मैंने नीचे वाले अपना, मेरा घर जो है गाइस बहुत ही छोटा है, एक बहुत ही छोटा, तो उसी में मैंने कार्यालय अपना नीचे ओपन कर लिया हुआ है, तो जो कार्यालय है
उसके बगल में ही दवा की दुकानें वगैरह है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ लाइफ में करूँ, आगे बढ़ूँ, नहीं ऐसे कब तक काम चलेगा। आई होप गाइस ये भी इमोशन भरे मेरे वीडियो आपको, मतलब मेरे बारे में कुछ जानकारी देने में सही लगेगा। तो मैं ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगी मेरे बारे में बताने के लिए, तो मैं आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में इसका बना दूँगा, कल तो अपलोड करूँगा। तो आप और सारी जो जानकारियाँ हैं मैं नेक्स्ट पार्ट में अपने बारे में दे दूँगा। तो इसी तरह मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू वॉच करते रहें। और हाँ, अगर आपको मेरे बारे में जो जानकारी मैंने दी है अच्छी लगी हो और मेरे एक्सपीरियंस आप सभी के साथ आप सभी को अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ चैनल को हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी और पे प्रेस कर दीजिएगा। और क्योंकि मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।